हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कार्तिक मास में शहर के मंदिरों में सजे छप्पन भोग। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में अन्नकूट और छप्पन भोग के आयोजन हो रहे हैं। मंदिरों में भगवान को नानाविध पकवान चढ़ाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रायकाबाग स्थित जुगल जोड़ी बाबा रामदेव मंदिर में सेनाचार्य स्वामी अचलानंद गिरी महाराज के सानिध्य में अन्नकूट महोत्सव हुआ। इस मौके पर 151 प्रकार के व्यंजन चढ़ाए गए। सेनाचार्य ने अन्नकूट का महत्व बताया। अलसुबह बाबा रामदेव और रानी नेतल के प्रतिमा का पंचामृत से अभिषेक किया गया। तत्पश्चात हवन, सत्संग और प्रवचन हुए। इस मौके महापौर घनश्याम ओझा, दामोदर बंग, सुरेश चौधरी, अशोक बंग, करण सिंह राठौर, कैलाश गहलोत, कमल राठी, हरिराम पवार, देवीलाल पवार, जगदीश बीजपुर, गणपत सिंह राजपुरोहित, विवेक शर्मा आदि मौजूद थे। वहीं सिवाची गेट स्थित द्वारिकाधीश मंदिर में ठाकुर जी को अन्नकूट का भोग लगाया गया। वैष्णव मित्र मंडली की ओर से भीम भड़क रोड पर स्थित कायापलट बालाजी मंदिर में सुबह अन्नकूट और स्नेह मिलन समारोह हुआ। इसमें सुंदर कांड पाठ किया गया। जोधपुर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।